वकील से नहीं मिला। इस वक्त की बड़ी खबर, तिहाड़ जेल मिलने गया था नया वकील, लेकिन निर्भया के मामले में कोर्ट में सुनवाई भी आज होनी है। दोषी पवन को मिला नया वकील रवि काजी। दोषी ने अपने वकील से मिलने से यहां पर इनकार कर दिया। पवन ने अपना वकील को लेकर किसी बात की कोई चर्चा भी नहीं की है। दोषियों को 3 मार्च को देखिए फांसी की सजा दी जानी है, लेकिन उससे पहले निर्भया का दोषी पवन का जो वकील है वो मिलने पहुंचता है तो पवन उनसे मुलाकात नहीं करता। अवैध हमारे साथ जुड़े हैं। अवैध, आखिरकार पवन ने अपने नए वकील से मिलने से क्यों मना किया होगा? बिल्कुल, एक नया ड्रामा जो है वो अब शुरू हो चुका है इस मामले में, क्योंकि पहले पवन ने अपने जो पुराने वकील थे एपी शर्मा उनको हटा दिया, कहा कि वो उनसे केस ही नहीं लड़ेगा। फिर कोर्ट ने कहा कि आपको नया वकील जो लीगल एड की तरफ से, जो कोर्ट की तरफ से वो दिया जा रहा है। रवि काजी को नियुक्त किया गया था, एक दिन उन्होंने पैरवी भी की थी रवि काजी ने पवन दोषी की, मगर उसके बाद अब उसने मिलने से इनकार कर दिया। तो बड़ा नाटक जो है पूरे मामले में सामने आ रहा है, क्योंकि 3 तारीख को जो है फांसी की सजा देनी है, कम समय बचा है। ऐसे में पवन के पास 2 लीगल रेमेडीज बची हुई है, एक क्यूरेटिव याचिका की और दूसरी जो है वो दया याचिका की। बिना वकील किए बातचीत किए हुए वो दोनों याचिकाएं दाखिल नहीं कर सकता, कर पाएगा। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये कि क्या कोई एक नया षड्यंत्र या मामले को टालने की नई कोशिश जो है वो की जा रही, क्योंकि डेथ वारंट जारी हो चुका है। वकील जब जेल में मिलने के लिए तिहाड़ जेल अथॉरिटी के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि वकील जो पवन दोषी है उसने वकील से मिलने से मना कर दिया। ऐसे में सवाल यही है कि क्या एक नई टाल मटोल करने की कोशिश जो है वो पवन की तरफ से की जा रही है। तमाम जानकारियों के लिए आपका।